जय माता दी, ओम दुम दुर्गाए नमः। आज की इस वीडियो में आप सभी जानिए नवरात्रि की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा की सामग्री की संपूर्ण लिस्ट के बारे में जानेंगे। पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बेहद खास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शरदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि के साथ 2 गुप्त नवरात्रि शामिल हैं। चैत्र और शरदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि इन्हें सामान्य लोग भी रह सकते हैं। आश्विन मास के नवरात्रि को शरदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शरदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसीलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नव दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है, साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शरदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रहे हैं और 24 अक्टूबर को समाप्त होंगे और 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होकर नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस 9 दिन के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन होगा। शरदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से मानी जाती है। शरदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसका एक शुभ मुहूर्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 16 अक्टूबर को मध्य रात्रि 12:32 पर होगा। उदा तिथि के अनुसार शरदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएंगी। इस विशेष दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। देवी पुराण में देवी का द्विस्वभाव लगन युक्त प्रातः काल में आह्वान में घट स्थापना पूजन करने का विधान बताया गया है। प्रतिपदा के दिन वैधर्ति योग को वर्जित बताया गया है, परंतु अभिजीत मुहूर्त में पूजा करने का, घट स्थापना करने का शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन चित्रा नक्षत्र 6:12 तक एवं वैधर्ति योग 10:23 तक रहेगा। घट स्थापना के लिए इस वर्ष अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापना हो सकेगी। ऐसे में शुभ मुहूर्त 6:30 से 8:47 तक पहला शुभ योग रहेगा। इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं और 12:27 से 1:15 तक दूसरा शुभ योग रहेगा। शरदीय नवरात्रों की तिथियां क्या हैं जानते हैं। 15 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री का पहला दिन रहेगा, यानी कि प्रतिपदा तिथि रहेगी। 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा नवरात्रा दूसरा दिन रहेगा। 17 अक्टूबर 2023 को माँ चंद्रघंटा का तीसरा दिन तृतीय नवरात्रा रहेगा। 18 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा का चौथा दिन अर्थात चौथा नवरात्रा रहेगा। 19 अक्टूबर को माँ स्कंद माता का पांचवा नवरात्रा रहेगा। 20 अक्टूबर को माता कात्यायनी का छठा नवरात्रा रहेगा। 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि का सातवां नवरात्रा रहेगा। 22 अक्टूबर को माता महागौरी का आठवां नवरात्रा
अर्थात दुर्गा अष्टमी रहेगी। 23 अक्टूबर को महानवमी अर्थात नवरात्रे का नौवां दिन शरद नवरात्र व्रत पारण का दिन रहेगा। 24 अक्टूबर को माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन दशमी तिथि रहेगी। इस बार माता दुर्गा की सवारी क्या रहेगी, आइए जानते हैं। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर हाथी की सवारी पर आएंगी। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर निवास करती है। रविवार के दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि होने से उनकी सवारी हाथी होगी। हाथी को सुख समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस वर्ष अच्छी वर्षा और खेती होगी। जब भी माता हाथी पर सवार होकर आती है तो ये बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी। इसके साथ ही देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर पूरे देश के लिए ये शरदीय नवरात्रि शुभ साबित होने वाले हैं। अब जानते हैं नवरात्रि में पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट के बारे में। नवरात्रि पर पूजा या पूजन के लिए सामग्री में माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर मूर्ति लेनी चाहिए। अगर आप चाहें तो पूजन के लिए नवरात्रि पर माता दुर्गा के पूरे 9 स्वरूपों की तस्वीर भी ले सकते हैं। फूलमाला, आम के पत्ते, पान, सुपारी, लौंग, बताशा, हल्दी की गांठें, थोड़ी पिसी हुई हल्दी, आसन, चौकी में बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, बंधनवार, सिंदूर, नारियल जटा वाला सूखा नारियल, नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग या फिर चावलों को रंग ले, दूध, 16 श्रृंगार जिसमें कि बिंदी, चूड़ी, तेल, कंघी, शीशा आदि होंगे, चौकी, मौली, रोली, कमल गट्टा, नवेद्य, जावित्री, वस्त्र, दही, पूजा की थाली, दीपक, घी, अगरबत्ती, शहद, शक्कर, पंचमेवा और गंगाजल। कलश स्थापना के लिए क्या पूजन सामग्री लेनी चाहिए, आइए जानते हैं। कलश स्थापना के लिए कलावा, जटा वाला नारियल, जल, मिट्टी का घड़ा, थोड़ी सी मिट्टी, मिट्टी का ढक्कन, मिट्टी की कटोरी के ऊपर रखने के लिए चावल या गेहूं, एक मिट्टी का दीपक, थोड़े से चावल, हल्दी चूने से बना तिलक, गंगाजल, लाल रंग का कपड़ा, पान के पत्ते, बोने के लिए जौ, कलश के नीचे रंगोली बनाने के लिए आटा या फिर रंग। माँ दुर्गा की 16 श्रृंगार के लिए नवरात्रि पूजन सामग्री की लिस्ट। माँ दुर्गा की 16 श्रृंगार के लिए नवरात्रि पूजन सामग्री लिस्ट में लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, पायल, नेल पेंट, लिपस्टिक, महावर, बिछिया, इत्र, काजल, मेहंदी, कान की बालियाँ, कंघी, शीशा, गले के लिए माला या फिर मंगलसूत्र, चोटी, मांग टीका, चोटी के लिए रबड़ बैंड, नथ और गजरा। ये थी सामग्री की संपूर्ण A to Z लिस्ट। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।